हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय ट्यूटोरियल। सो मैं हूं आकाश पांडे और आप देख रहे हैं यूनिक चैनल में योरसेल्फ यूनिक। कैसे हो आप लोग फ्रेंड्स? आप सबके कॉमन क्वेश्चंस आ रहे थे और मैं उसके आंसर नहीं कर पा रहा था। रीजन ये था, जॉब के बाद फिर ऑनलाइन क्लासेस, तो टाइम बहुत डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा था। बट मैंने सोचा कि आज मैं कैसे भी करके आप तक पहुंचने की कोशिश करूंगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस कॉमन थे। जैसा कि मैं देख रहा हूँ, मार्केट में रिक्वायरमेंट आ चुकी है जॉब की। मीन्स अभी मार्केट धीरे धीरे आफ्टर कोविड ओपन हो रहा है सिविल का। जैसा कि मैंने कल भी दो तीन बच्चों को बोला था कि कुछ कंपनियां हैं, जैसे कि कैसेक इंजीनियर्स है, ऐसे करके कई कंपनियां हैं जहाँ ओपनिंग स्टार्ट हो गई हैं। तो आप धीरे धीरे अप्लाई करना स्टार्ट करो, क्योंकि आज अप्लाई करोगे तब जाके आपको एक हफ्ते एक महीने के अंदर रिस्पॉन्स मिलेगा। तो अब जैसे कि अगर स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग की प्रोफाइल के लिए कुछ लोगों का जो जॉब है, चलो मतलब किसी भी उनकी शॉर्ट लिस्ट हो गई है, नो डाउट उन्होंने अच्छे से सीवी बनाया होगा, कवर लेटर लिखा होगा, तो हो गया। अब अगर इसके बाद उनका जो नेक्स्ट स्टेप होता है, वहां पर ब्लैंक होते हैं। क्या कल इंटरव्यू है, आज पढ़ के क्या जाऊं? कल इंटरव्यू है, आज पढ़ के क्या जाऊं? या मान लो एक हफ्ते पहले पता चल गया कि इंटरव्यू है और एक हफ्ते के बाद, और अब आपको जाना है इंटरव्यू के लिए, टेक्स्ट बुक में जो पढ़ा था सब भूल चुके हैं या याद है तो अच्छी बात है, बट उतना ज़्यादा याद नहीं रहता। आप सबको पता है और मुझे भी पता है एज अ स्टूडेंट कि टेस्ट बुक की चीज़ें याद नहीं रह पाती हैं उस टाइम पे, जिस टाइम पे हमें इंटरव्यू अगर पता चल गया कि 3 दिन के बाद है। इस सिचुएशन में इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें, इस पर ये वीडियो पूरा कंप्लीट है। तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप सब इसको कंप्लीट देखिए, क्लियर होगा, आपको समझ में आएगा कि ओके अगर इंटरव्यू है तो मुझे क्या क्या चीज़ें पढ़ के जानी चाहिए। ठीक है, अगर इंटरव्यू है तो हमें क्या क्या चीज़ें पढ़ के जानी चाहिए। तो देखो यार, सबसे पहली चीज कि इंटरव्यू में जब आप कभी भी जाते हो तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इज योर इंट्रोडक्शन पार्ट। यहां से स्टार्ट होता है आपका फर्स्ट इंप्रेशन। जैसे आप एंट्री करते हो, हाउ यू आर गोइंग टू सिट, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया यहाँ पे कि जस्ट हमने देख लिया, वॉच कर लिया, ओके कैसे आके आप बैठ रहे हो। सेकेंड, हाउ यू गोइंग टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। समटाइम्स ऐसा देखा गया है कि इंट्रोडक्शन के लिए हमारे पास मुश्किल से दो लाइनें होती है, जैसे कि माई सेल्फ दिस एंड आई जस्ट कम्प्लीट माई इंजीनियरिंग फ्रॉम दिस कॉलेज इन दिस ईयर। इसके बाद आप चुप हो जाते हो कि यार मैं क्या बताऊँ इनको, इसके बाद आप चुप हो जाते हो कि मैं इनको क्या बताऊँ। तो उसके बाद आपको इंट्रोडक्शन को एटलीस्ट इतना करके रखो जब तक सामने वाला नेक्स्ट क्वेश्चन ना पूछे, इन द सेंस कि आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड या फिर कोई टेक्निकल क्वेश्चन जब तक ना पूछे तब तक इंट्रोडक्शन बोलते रहने की कैपेसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये आ सकता है कैसे, इसके लिए आप कुछ पॉइंट्स नोट कर लो अच्छे से, जैसे कि आपको क्या टेक्निकल नॉलेज है, ठीक है, उसको भी आप अपने इंट्रोडक्शन में ऐड कर सकते हो। क्या आपने कोई रिसेंट में कोई प्रोजेक्ट्स किए हैं, किसी का फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट, प्रैक्टिस प्रोजेक्ट, डेमो प्रोजेक्ट, कुछ इस तरीके से किया है, उसको भी आप ऐड कर सकते हो इंट्रोडक्शन पार्ट में कि आई जस्ट कंप्लीटेड माय वन प्लान, दैट साइज वाज दिस एंड आई जस्ट कंप्लीटेड सेक्शन एंड एलिवेशन ऑफ दैट प्लान आल्सो। चलो उसको क्या हुआ, इंट्रोडक्शन में ही आपने इन सारी चीजों को ऐड कर लिया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इंट्रोडक्शन। इसके बाद टेक्निकल में क्या पढ़ के जाए, चलो ठीक है, आपको लगेगा ठीक है सर इंट्रोडक्शन तो समझ आ गया कि एचआर क्वेश्चन फिक्स हैं, व्हाट सैलरी एक्सपेक्टेशन, व्हाट्स योर हॉबीज, इस पे क्वेश्चन पूछेंगे। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन टेक्निकल राउंड में पूछते हैं वो क्या पूछते हैं, तो टेक्निकल राउंड में कोई भी एक अच्छा इंटरव्यू जो होता है वो मैक्सिमम आपकी सीवी से पूछा जाता है, आपके रिज्यूम से पूछा जाता है कि आपने रिज्यूम में क्या लिखा है, उसके बेस पे क्वेश्चंस क्रिएट किए जाते हैं। जैसे कि आप सब ने अपने रिज्यूम में लिखा होगा कॉमन, अब आप देख लेना आपके रिज्यूम में क्या लिखा है। सबसे पहली चीज़ आपका करियर ऑब्जेक्टिव आपको पता होना चाहिए कि मैंने क्या लिखा है। सेकंड थिंग, व्हाट टेक्निकल स्किल्स यू हैव, जो भी आपके पास टेक्निकल स्किल्स है उसको आपने प्रेजेंट किया होगा, क्या उसके बारे में आपको डीप नॉलेज है? है तो क्वेश्चन वहीं से आएगा और कुछ नहीं होगा, जो आपने सीवी में प्रेजेंट किया है वहां से क्वेश्चन आएगा। अब सीवी में इतनी आइटम जरूर होने चाहिए, इतने कंटेंट जरूर होने चाहिए कि मुझे बाहर से क्वेश्चंस ना पूछना पड़े। तो अगर आप सीवी में इतना कुछ लेते हो कि स्टैट प्रो है, ईटैब है, या फिर सेफ है, या फिर आरसीडीसी है, या फिर ऑटोकैड है, जो भी चीजें हैं अगर आपने प्रॉपर लिख रखा है प्लस एक्सप्लेन कर रखा है कि मुझे ईटैब में क्या आता है, आरसीसी स्टील स्ट्रक्चर एनालिसिस एंड डिजाइन, स्टैट प्रो में क्या आता है, जो भी आपको स्टैट प्रो में आता है वो आप लिख के रखे हैं, तो सामने वाला उसी पॉइंट से क्वेश्चंस क्रिएट करके दे देता है आपको। अब उसके बाद जो एक कॉमन क्वेश्चन है जो आपसे पूछा ही जाएगा, अगर आप फ्रेशर हैं या फिर एक्सपीरियंस है, अगर आप फ्रेशर हैं तो आपने कॉलेज में कौन सा प्रोजेक्ट किया था,
कॉलेज में कौन सा प्रोजेक्ट किया था, ये जैसे सपोज मैं इंटरव्यूअर हूँ, आप आए, मैं आपके बारे में कुछ नहीं जानता और आपने सीवी में इतना कुछ नहीं लिखा है कि मैं आपसे पूछ सकूँ, तो मैं एक क्वेश्चन तो जरूर पूछ सकता हूँ, उसका नाम क्या है कि आपने अपने कॉलेज में क्या प्रोजेक्ट किया था, प्रोजेक्ट में आपका रोल क्या था। क्यों? इससे मुझे आइडिया लग जाता है कि भाई साहब ने कितना डेडिकेशन के साथ उस प्रोजेक्ट को किया था, और अगर इतने डेडिकेशन के साथ उस प्रोजेक्ट को किया था तो हमारी कंपनी के प्रोजेक्ट को भी ये बंदा उसी तरीके से करेगा। इसलिए हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप प्रोजेक्ट कौन सा किए थे। प्रोजेक्ट कोशिश करो आपका प्रोजेक्ट ऐसे होना चाहिए कि जो उस फील्ड से रिलेटेड हो तो ज़्यादा बेटर है। काफ़ी लोग कभी कभी थ्योरेटिकल पार्ट का प्रोजेक्ट कर लेते हैं और गए हुए हैं स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग के पोजीशंस के लिए, थोड़ा नॉट सुटेबल वाला कॉम्बिनेशन आ जाता है। ठीक है, BIM के लिए गए हैं और क्वेश्चन सर्वेइंग का प्रोजेक्ट उन्होंने कर रखा है कॉलेज में, थोड़ा अनकंफर्टेबल टाइप का होता है। सो कोशिश करिए कि आप अगर कॉलेज में हैं तो प्रोजेक्ट वही चूज करिए जिसके बेस पर आगे आपने कुछ अगर थोड़ा भी प्लान किया है, पूरा नहीं पता है कोई बात नहीं, थोड़ा भी प्लान किया है तो वही प्रोजेक्ट को चूज करेंगे तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होता है। अब इसके बाद मान लो कि आपके CV में ज़्यादा कंटेंट सामने वाले को नहीं मिला, फिर वो क्या क्वेश्चंस पूछ सकता है? आपके CV में ज़्यादा कंटेंट नहीं मिला पूछने के लिए, फिर वो क्या पूछ सकता है? तो वो पूछ सकता है आपसे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगर स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग के पोजीशंस के लिए आप जा रहे हो तो वो है IS कोर्स। कौन कौन से IS कोर्स यूज करते हैं, इस पे क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। IS कोर्स के अंदर कुछ की पॉइंट लाइक मिनिमम स्पेसिंग्स, मैक्सिमम स्पेसिंग्स, कवर डेंसिटी, और इसके बाद जैसे विंड एनालिसिस, विंड को कैसे, हाउ टू कैलकुलेट विंड लोड, हाउ टू कैलकुलेट अर्थक्वेक लोड, अर्थक्वेक लोड के लिए कौन सा लोड कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, विंड के लिए कौन सा लोड कॉम्बिनेशन, और क्यों यूज करते हैं, इससे क्वेश्चंस बहुत पूछते हैं। मैं थोड़ा स्पीड में बता रहा हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा टॉपिक कम टाइम में कवर करना है, आपको बोर भी ना हो और आपको नई नई चीज़ें मिल जाए। दोस्तों एक और रिक्वेस्ट है, मीन्स आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं, मीन्स आप बहुत इंटरेस्टेड है, थोड़ा सा सपोर्ट करो क्योंकि मैं अपने रेगुलर काम को ज़्यादा फोकस करता हूँ, यूट्यूब को मुझे साइड पर रखना पड़ता है क्योंकि मुझे यूट्यूब से एज सच रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। तो अगर आप लोग थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाएंगे तो डेफिनेटली मैं ज़्यादा टाइम आपको डेडिकेट करने की पूरी कोशिश करूँगा। इसके बाद दोस्तों आपसे एज ए स्ट्रक्चर इंजीनियर ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको SFD BMD का कॉन्सेप्ट प्रॉपर क्लियर होगा। तो SFD BMD और डिफ्लेक्शन, ये इसको लिख लीजिए, अगर आपका कल इंटरव्यू है तो आज इतनी चीज़ें आप रिवाइज तो कर सकते हैं, एटलीस्ट फॉर्मूला तो एक्चुअली देख के जा सकते हैं कि अच्छा ये फॉर्मूला होगा। अगर फॉर्मूला भी आप देख के जा रहे हो तो आपको इंटरव्यू क्रैक होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं जी। ठीक है, और इसके साथ ही साथ और जो टेक्निकल क्वेश्चन वो पूछ लेते हैं, जैसे कि विंड लोड में थोड़ा सा डीप में चले गए कि VV, K1, K2, K3, K1 क्या है, K2 क्या है, K3 क्या है, आजकल तो K4 आ गया है, साइक्लोन इफेक्ट्स, K4 क्या है, इनके बारे में थोड़ी अपडेट्स आपको होनी चाहिए। आपका स्टैटिक एनालिसिस और डायनेमिक एनालिसिस का अच्छा नॉलेज आपके पास होना चाहिए। तो स्टैटिक एनालिसिस क्या होता है, डायनेमिक एनालिसिस क्या होता है, अच्छा डायनेमिक में जो रिस्पॉन्स करते हैं रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम एनालिसिस क्या है, रन स्ट्रक्चर सॉरी टाइम स्ट्री एनालिसिस क्या है, और पुश ओवर एनालिसिस क्या है, ये सारी एनालिसिस क्यों करते हैं, चेक्स क्यों करते हैं, इनके लिए क्या क्या फॉर्मूलाज यूज करते हैं, इनके रिजल्ट में क्या क्या देखना होता है। मैं अपने ETI और सेफ क्लासेस में बहुत डीप में जाके इसको समझाता हूँ तो मेरे स्टूडेंट्स को पता होगा। उसके अलावा स्टैटिक एनालिसिस में अगर हम कर रहे हैं तो स्टैटिक एनालिसिस स्टैट प्रो में अच्छा रहेगा कि ETI में अच्छा रहेगा, डेफिनेटली स्टैट प्रो में ईजी रहता है। अच्छा कई लोग को एक क्वेश्चन, इवन कल इवनिंग में एक क्वेश्चन एक कॉल पे बच्चे ने पूछा था मुझे, सर डिफरेंस बिटवीन स्टैट प्रो एंड ETABS। तो अब ये क्वेश्चन को मैंने वैसे पहले भी एक्सप्लेन किया है, बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है, आपके भी माइंड में आ रहा होगा, हो सकता है स्ट्रक्चर इंजीनियर अगर इंटरव्यू के लिए आप जा रहे हो वहां भी ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर उनको भी थोड़ा बहुत डाउट रहा तो। एक्चुअल में ये दोनों ही सॉफ्टवेयर स्ट्रक्चर की एनालिसिस ही करते हैं, एक्चुअल में ये दोनों ही सॉफ्टवेयर स्ट्रक्चर की एनालिसिस ही करते हैं, बट कोई सॉफ्टवेयर किसी काम में अच्छा होता है और कोई सॉफ्टवेयर किसी काम में है। तो इसको हम ये कह सकते हैं कि अगर मैं बात करूँ स्टैट प्रो की, तो स्टैट प्रो को अगर मैं थोड़ा सा डेली लाइफ से कोरिलेट करूँ तो स्प्लेंडर गाड़ी जो होती है, स्प्लेंडर बाइक होती है ना, आप ले चलाया होगा या फिर देखा होगा या फिर ड्रीम बाइक भी हो सकती है, वैसे नहीं होगी यहाँ तक है, तो स्प्लेंडर जो है वो जस्ट लाइक ए स्टैट प्रो है। ठीक है, मीन्स लोकल वर्क के लिए सबसे बेस्ट वर्क कर सकता है कौन, स्टैट प्रो। और जैसे कि टाइगर या फिर BMW की जो बाइक्स आती हैं, ये ETABS है। ETABS मीन्स लॉन्ग राइड जा रहे हो और मीन्स हाई स्ट्रक्चर बना रहे हो, वहाँ पे अगर आप स्टैट प्रो टाइगर यूज कर रहे हो यानी ETABS यूज कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा।
फाउंडेशन डिजाइनिंग के लिए सेफ से अच्छा कोई सॉफ्टवेयर अब तक में मैंने नहीं पाया है। फाउंडेशन डिजाइनिंग के लिए एक्सीलेंट सॉफ्टवेयर है सेफ, और ओके ओके वाला सॉफ्टवेयर अगर बोलूँ तो स्टैट प्रो फाउंडेशन भी काफी बेहतरीन है। स्टैट प्रो फाउंडेशन में थोड़ी लिमिटेशन है, इसमें केवल पाइल कंबाइंड और अपना आइसोलेटेड और मैट कर सकते हो, बट जो हमारा सेफ है इसमें हर तरह के फुटिंग्स का डिजाइन आप बहुत ही बेहतरीन कर सकते हो। तो ये थे कुछ कॉमन क्वेश्चंस जो आपको पता होने चाहिए। ईटैब अगर आपको पता है तो ईटैब का फाइल फॉर्मेट मैं हमेशा बोलता हूँ .edb। स्टैट प्रो अगर आपको आता है तो स्टैट प्रो का फाइल फॉर्मेट बताओ, कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे .std। ऑटोकैड पता है तो ऑटोकैड का फाइल फॉर्मेट बताओ .dwg, और इम्पोर्ट करेंगे अगर स्टैट प्रो तो .dsf। यही सारे कॉमन क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं। वैसे तो क्वेश्चंस बहुत बड़े हैं, बट एक दो दिन की प्रिपरेशन के लिए मींस अगर दो दिन में आपको इंटरव्यू है, इतने टॉपिक्स को एटलीस्ट आप पढ़ ही लेना। इतने टॉपिक पढ़ने से एटलीस्ट ये होगा कि आप, मैं ये तो नहीं कहता कि 100% क्रैक कर लोगे, 80% आपका ऐसा होगा कि सामने वाले कोई आपकी सीवी पसंद आ सकती है, आपकी पर्सनालिटी पसंद आ सकती है। आगे भी इसके रिलेटेड और भी वीडियोस बनाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि और हम क्या क्या कर सकते हैं। जैसे कि SFD BMD में सबका SFD BMD नहीं पूछा जाता जनरली, जैसे कि बोले पॉइंट लोड लगा दिया, जनरल क्वेश्चन ऐसे रहता है पॉइंट लोड लगा दिया क्या इफेक्ट आएगा, UDL लगा, क्योंकि हमारा सिविल इंजीनियर का काम ऐसे ही ना मैक्सिमम, तो उसी के रिगार्डिंग ही SFD BMD भी पूछी जाती है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन कोई भी पूछ के टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। ड्रॉइंग का अगर वर्क है वहाँ पर तो आपसे सेक्शन एलिवेशन पे वर्क करवाते हैं वो, और एक बहुत ही आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है वन व्यू ड्रॉइंग निकालना, मतलब लेफ्ट दिया है, राइट दिया है, टॉप दिखाओ, टॉप दिया है, राइट दिया है, बॉटम दिखाओ, अलग अलग व्यूज। तो व्यूज की आप जैसे सपोज एक टेबल है, टेबल के ऊपर एक बुक रखी हुई है, इसका फ्रंट व्यू कैसा दिखेगा, बहुत आसान है, बट ऐसे क्वेश्चंस पूछना अभी बहुत ज़्यादा मार्केट में ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो आपको वन व्यू की भी प्रैक्टिस करके जानी चाहिए। विजुलाइजेशन देखते हैं इसे कि आप कितने विजुलाइज हो, आप कितनी चीज़ों को अच्छे तरीके से देख पाते हो। होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो गाइस, और बहुत दिन के बाद वीडियो बनाया, इसका रीज़न यही था टाइम इश्यूज बहुत होने और मीन्स इतने काम हो जाते हैं कि पहुंच नहीं पाता आप तक, सॉरी इसके लिए। कोशिश करूंगा आगे भी कि जल्दी जल्दी से आपके साथ मुलाकात होती रहे, और वीडियो को देखने के लिए, यहां तक देखने के लिए बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।